तो टाइम है सुबह के 7 बजने वाले हैं। हम अभी उठे हैं, वॉशरूम वगैरह होके आए हैं। बाहर का व्यू देखिए कितना, बहुत बढ़िया व्यू है। हमारे गेस्ट हाउस में ही छोटी सी फार्मिंग करते हैं भैया अपने लिए, वो खड़ी है हमारी सवारी। रात को ठंड थी, इस टाइम धूप निकली हुई है, टी शर्ट में खड़ा हूँ सिर्फ, कुछ ऐसा पता नहीं लग रहा कि ठंड है या कुछ। टाइम हो गया 8:30, बस अब निकलने लगे हैं अब होटल से टुवर्ड्स पैंगोंग लेक, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। उसके बाद घर की वापसी शुरू हो जाएगी। मौसम काफ़ी प्लेजेंट है, एक स्वेटशर्ट ही पहनी हुई है हमने, धूप निकली हुई है। आप देख सकते कैंप्स भी लगाए हुए हैं लोगों ने यहाँ पे होटल में हमारे, काफ़ी अच्छा डिसेंट रिजॉर्ट है। बहुत ओनर बहुत अच्छे हैं यहाँ का, बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, बहुत पोलाइट। काफ़ी बाइकर्स आए हुए हैं, अब सबसे ज़्यादा भीड़ हमें इसी रिजॉर्ट में मिली है। बस अब हम निकलने लगे हैं, गाड़ी पैक कर लिए, सबसे ज़्यादा टाइम गाड़ी पैक करने में लगता है हमें। हम सोच रहे हैं बाइकर्स को कितनी मुश्किल होती होगी रोज़ बाइक पैक करने में, अनपैक करने में। हमें तो एक डेजिग्नेट बंदा मिला हुआ है, ये हमारा पैक करता है और सामान के साथ ही रहता है। मैसी मैसी गाड़ी, आधा सामान इसके ऊपर ही गिरता है, जोर से कट लगता है तो सारा सामान इसी के ऊपर ही गिरता है। आज तो सोच रहा था कोई रस्सी मिल जाए सारा सामान बांध दे, बट चलो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से अब टुवर्ड्स पैंगोंग। तो चलिए 9 बजने वाले हैं और हम निकल रहे हैं, पूरा 1 घंटा लेट है अपने शेड्यूल टाइम से, देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं हम। ये सामने सियास खड़ी है, ये मनाली वाले रास्ते से आए हैं, थोड़ा सा इन्होंने बूस्टअप किया हमें, हम सोच रहे हैं सियास निकल के तो हमारी थोड़ी सी रिलेटिवली इजीली निकल जानी चाहिए। बाकी देखते हैं कैसा रास्ता है, कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए किसी चीज़ पे। खारिया रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट था, कभी डिस्किट आए तो आप ज़रूर प्रेफर करें इसी रिजॉर्ट में रुकना, मेन बात क्योंकि यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और फैसिलिटीज़ भी सारी हैं, 24/7 गर्म पानी है, लाइट तो जाती है यहाँ पर जनरेटर चला देते हैं, वाईफाई भी है। ये लिखा देख, पनामिक की तरफ जाना है हमने शायद, पैंगोंग के लिए, पैंगोंग सर पता नहीं हमें, नहीं पता पैंगोंग कहाँ हुआ, पैंगोंग पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक नहीं पता, वो कुछ और रेस्टोरेंट है, वो तो कुछ लोकल राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, हम कॉल करते हैं बाइक वाला, राइट हो यार लेफ्ट थोड़ी होगा, हां राइट हो ना, बाइकर बुला ले, बाइकर बुला ले, आए नहीं ना, पैंगोंग लेक सीधा भी स्ट्रेट, एक जगह राइट एंड लेफ्ट आएगा, आप लेफ्ट जाना, ओके ओके, अगम अगम, हां ओके, थैंक यू। ये राइट में रास्ता चला जाएगा आपका टुवर्ड्स ले, ये जो अगम जाना है 24 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये रास्ता जाएगा टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। अभी तक तो रास्ता हमें ठीक ही मिल रहा है टुवर्ड्स पैंगोंग, आगे देखते हैं कैसा होगा। खराब रास्ता शुरू हो गया है, हाँ ऐसे रास्ता क्या सारा, यही मुड़ूंगा इसे कहीं मुड़ूंगा, हाँ फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग, हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। टुवर्ड्स पैंगोंग लेक के रास्ते में ये छोटा सा ब्रिज है, क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं, वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है,
जो श्योक रिवर हमारे चल रही है उसको क्रॉस कर रहे हैं हम। ऑसम व्यू है यहाँ से, आप देख सकते हैं छोटा सा पिक्चर पॉइंट है यहाँ, सारे लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। तो थोड़ी देर हम भी रुके हैं पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए और बस निकलेंगे यहाँ से। अभी थोड़ा पिक्चर लेने के लिए रुके थे पीछे पिक्चर पॉइंट पे, अब निकल रहे हैं दोबारा से। रास्ते आप देख सकते हैं कितने ख़राब हैं, पूरी वाटर क्रॉसिंग ही है। ये सब सोच के आते हैं हम कि हमें ले में ये मिलेगा, तो अभी फर्स्ट टाइम ही मिल रहा है हमें ले में ये। ये शोकरी वाला रास्ता है, जो दूसरे रास्ते हैं वो थोड़े क्लियर हैं, ये थोड़ा अभी अनटच रास्ता है तो इसीलिए थोड़ा ऐसा है। पर यहाँ पे भी इतने लोग दिख रहे हैं, लगता है कि और साल दो साल में ये भी अच्छा हो ही जाएगा। रोड बनानी है शायद यहाँ पे, है ना। पानी हाँ है, रुको दे दे, और क्या पानी पिलाना वही है यार। पूछ ले पानी तो, फ्रूटी दें पानी चाहिए, फ्रूटी चाहिए। ये हम रुके हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है श्योक रिवर व्यू। ये श्योक रिवर जा रही है जो लगभग लगभग सूखी हुई है। ये रेस्टोरेंट खा के देखते हैं कैसा खाना है। अभी तक तो खाना खा जाएगा रेस्टोरेंट ठीक ही लगेगा मुझे, बट थोड़ा डिस्किट में खाना थोड़ा सा फीका सा था। यहाँ पे हमने फ्राइड राइस मंगाए, ब्रेड ऑमलेट भी आ रहा है और इसको तो पेशेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, पूछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, अकेला खा जा रहा है। देख लो ऐसी ऐसी शक्लें होती है भूखे लोगों की। ये पूरा बाइकर ग्रुप रुका हुआ है यहाँ पे, इंदौर से आए हैं, इंदौर से आए हैं यहाँ पे सारे। प्रमोशन करते वो भी कह रहे हैं। हाँ आपके प्रमोशन तो कर दिया मैंने पहले ही। चलो टाइम हो गया है एक दोपहर के, हमने यहाँ से लंच का ब्रंच किया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम आगे टुवर्ड्स पैंगोंग, अराउंड 60 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं, अभी तक तो रास्ते आपने देखे हैं कैसे थे, अब आगे देखते हैं रास्ते कैसे हैं। यहाँ रेस्टोरेंट तो कह रहे हैं रास्ते आगे ठीक हैं, अब देखते हैं इनके ठीक क्या होते हैं हमारे हिसाब से। अभी फंसा आएगा कोई ना कोई, बनी रही है वो पत्थर है बीच में, उसकी भी निकल गई, हमारी भी निकल जाएगी, उसके तो बंदे भरे पड़े हैं। बोल दे भाई सेंड कर दोगे, वैसे ही आ रहा हूँ मैं तो यार, फिसल रही है गाड़ी, फिसल रही है यहाँ पे। टायरों तो टायर ले, टायरों तो टायर, वो बेचारी बाइक बंद होगी। केएल से आया, हेलो हेल्प चाहिए कुछ, एनी हेल्प, एक्चुअली इट्स नॉट स्टार्टिंग, धक्का दें, जस्ट डू मी अ फेवर, या देयर विल बी टू केएल बाइक्स वेटिंग फॉर मी अप फ्रंट, ओके जस्ट टेल देम आई एम स्टक हियर, दे विल कम बैक, दे आर वेटिंग यू नो, विल बी वेटिंग, ओके 1 किलोमीटर है, ओके धक्का मारें, इसको पुश करें, कैन वी पुश इट, डू यू वांट टू पुश, ओके इट्स ओके, जस्ट टेल हिम, ओके ओके केएल, ओके जगह देख लो कौन सी है, कैसे बताएं वहां गाय गाय बैठी हैं, ये माइलस्टोन दिखा देंगे, धक्का मारना चाहिए थोड़ा बहुत यार, हां ये माइलस्टोन दिखा देंगे इसको, ये मुश्किल है ना देख, एक क्या लिखा है यहाँ पीछे पीछे बड़ी, रोहित क्या लिखा है पीछे, लोंगबोंग 28 वो हॉर्न फॉर हॉर्न, टांग से 5 हैं, टांग से 5 हां बस टांग से 5 जा लिखा है, टांग से 5 और लगा दूसरा, ये खड़े हैं बोले इनको, योर पार्टनर बाइक हैज बीन ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन हो गया बाइक, चल नहीं रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा, हाउ फार इज इट, अराउंड 5 किलोमीटर, अभी गो चेक,
There's a milestone saying Tang Se 5 kilometers. Okay. Near that. Okay. He's struggling, trying to start it, but his bike is not starting. Working. Okay. We'll go check. He's waiting for you. यहाँ हम आए हैं हाईवे से थोड़ा दूर मर्मट्स देखने के लिए. ये छोटा सा एक जानवर है, रैबिट जैसा, रैट जैसा, पता नहीं कैसा सा, वीडियोस में देखा था आज तक. ये उनके पिट्स हैं, बिल जिसे कहते हैं. अब जस्ट यहाँ सामने एक था, हमारे सामने अंदर घुसा है. अभी हम मर्मट्स के पास रुके थे, चाहे हमें एक ही मर्मट दिखा पर हमें उम्मीद थी बहुत दिखेंगे, पर चलिए शुगर एक तो दिखा. फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग आप देख सकते हैं, पहला व्यू ऑफ पैंगोंग अगर आपको दिख रहा होगा, दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल तो. दिख रहे हैं हमें तो, बहुत सुंदर है. फोटोज में कुछ भी पता नहीं चलता, रियल लाइफ में बहुत सुंदर है. Hyundai venue, probably the first Hyundai venue to come from Delhi to Pangong Lake. सारे मुश्किल रास्ते करते हुए खारदुंगला जोजिला हम पहुंच चुके हैं आखिरकार फाइनली पैंगोंग लेक पे. यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी. अब हम यहाँ से कल अपना वापस का रास्ता शुरू करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे हज़ारों पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और हमेशा के लिए इस लेक को अपनी यादों में बसाएंगे. चलिए थोड़ा आपको पास लेके चलें, हाँ क्लोज़र लुक लें पैंगोंग पास से कैसा लगता है. आप कलर देख सकते हैं यहाँ से, ग्रीन, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू और फिर सामने सुंदर पहाड़. वाह, BSNL का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे. एयरटेल का मैंने चेक नहीं किया, फ़ोन मेरे कार में पड़ा है, अभी चेक करते हैं. अब हमारा प्लान थोड़ा चेंज हो चुका है, टाइम हो गया है 4:40, हम पैंगोंग लेक से निकल रहे हैं. क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैंगोंग लेक सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, पिक्चर्स में जो देखोगे उससे 100 गुना सुंदर है. बट यहाँ रुक के हमने करना भी क्या है, सारे लोग जहाँ तक हमने देखा है सब निकल चुके हैं और भी हमारे पीछे पीछे लोग निकल ही रहे हैं. तो कल सुबह भी लेक यही होना है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज जितना कवर कर सकें करेंगे. और बट रास्ते में हमारा अभी थोड़ा मुश्किल रास्ता आना है चांगला पास, तो हम ये सोचेंगे चांगला बाबा थोड़ी हमारे पे कृपा बना के रखें और हमें इजीली क्रॉस करने दें. आज की डेस्टिनेशन हमारी उपशी है, देखें अगर हम कारू तक पहुंच सके तो हम कारू तक पहुंचेंगे. ये रास्ता है राइट से, हम आए थे श्योक रिवर की तरफ से, अगर हम ले से आते तो हम लेफ्ट से आते, तो अब हम इस तरफ जा रहे हैं ले की तरफ, ले और कारू की तरफ. ख़राब रास्ता शुरू हो गया, हम चांगला पास की तरफ जा रहे हैं. टाइम हो गया 6:15 शाम के, थोड़ा लेट ही हैं हम, बट देखें हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज. मुश्किल क्रॉस हम रात को शाम को पार कर लेंगे. सेव करिए, आ गया तो चांगले पास लिखा तो हुआ है, आ गया चांगला पास, ये आ गया पास है। चल रहा है हमारी वीडियो चांगला बाबा क्रॉस करते हुए. बहुत बर्फ है नीचे, बहुत बर्फ, इतनी बर्फ हमें खारदुंगला नहीं मिली. फर्स्ट Hyundai वेन्यू प्रॉब्ली जिसने चांगला क्रॉस किया होगा. चांगला सबसे डर लग रहा था हमें, अब कह रहे 10 किलोमीटर का रास्ता ऐसा ही है, उसके बाद प्लेन आएगा,
अब 10 किलोमीटर का इंतजार है हमें। हाँ जी भैया, सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग ओके? साथ साथ चले क्या? उनके साथ हो? ओके ओके। क्या ना कर रहे भाई का वो कर दे भाई भाई पिछले जगह किनारे पे वो तो देख रहा है अपनी तरफ चल ही रहा है। उसी से ये मेरी तरफ मत करियो। बस 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 धीरे कर ले। ओ देखो धीरे कर ले इधर तो बस 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 ये आगे कर ली। वो से ना ये मत गट से ना उसमें ट्रक आ गया। हॉर्न मारो। हॉर्न मारो। पंगा हो गया। हॉर्न मारो। यार बस हम कारू शहर पहुंच गए हैं। कारू सिटी सिटी है या टाउन है मुझे नहीं पता। खारू। और अब हम लेफ्ट जाएंगे यहाँ से जो कि टूवर्ड्स उपशी। और मैं वीडियो मेरी सॉरी वीडियो के लिए क्योंकि मेरे मेमोरी कार्ड चारों फुल हो गए हैं आज क्योंकि सुबह से पूरे रास्ते की वीडियो बनाई है। तो अब सीधा उपशी जाके मिलते हैं आपसे होटल में। टाइम हो गया है 9:30 बजे। हम पहुँचे हैं खारू। हमने होटल लिया है द बुद्धा होटल। सस्ता ही मिल गया। अच्छा डिसेंट होटल मिल गया हमें। हो गया 10:30। अभी हम जस्ट डिनर करके फ्री हुए हैं। आज हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि आज हमने थोड़ा सा रिस्क लिया और वैसे तो रिस्क लेके हमने ठीक ही किया मेरे ख्याल। हम पैंगोंग नहीं रुके और हमने सोचा कि हम वापसी निकल पड़े। हम खारू रुके हैं इस टाइम। बट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई चांगला क्रॉस करने में क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम चांगला क्रॉस करते करते और रास्ता बहुत ही ख़राब था चांगला का। अंधेरा हो चुका था वापस आते आते और हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो हम सोचे कि उपशी चले जाते हैं आगे। उपशी तक गए वहाँ जाके भी देखा कोई होटल नहीं है। तो फिर हम वापस 15 किलोमीटर खारू आए क्योंकि यहाँ से पेट्रोल डलवाना है सुबह मनाली के लिए क्योंकि इसके बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा फॉर अराउंड 350 किलोमीटर। आज कम से कम 11 घंटे ड्राइव करी है। हालत बहुत बुरी हो चुकी है। शक्लें सबकी उतरी हुई आप देख सकते हैं। ये नीचे पड़ा हुआ है हमारा साथी। शक्ल इसकी भी उतरी हुई है। है। सबकी फटी पड़ी है अगर देसी भाषा में बोला जाए तो। चलिए अब सोते हैं। सुबह उठेंगे और कल का हमारा प्लान तो यही है कि सरचू तक पहुँचें पर लेट ही निकलेंगे क्योंकि थक बहुत गए हैं आज। तो चलिए गुड नाइट।